हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हरे मटर की गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी। दोस्तों, अगर सर्दियों के मौसम में हरे मटर की खस्ता कचौड़ी मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस खस्ता कचौड़ी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बोल और उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा से भी बना सकते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद के अनुसार और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मोयन। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। एक बड़े चम्मच में मैंने 3 चम्मच डाला है। दोस्तों, इसके जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए से मैदे और तेल को मिक्स करेंगे ताकि वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगा। इससे हमें पता चलेगा कि मोयन परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच और तेल डाल सकते हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इस तरह का एक मुलायम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट डो है। तो अभी इसे बहुत ज्यादा नहीं मसलना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल ऊपर से और इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ और इसे ढक के अभी रख देंगे हम। तब तक हम क्या करेंगे, हरे मटर की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल, उसे गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। साथ ही में डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा भुन जाए तो उसमें डालेंगे हरे मटर। मैंने 1 कप हरा मटर लिया है, इसे हम डाल देंगे और इसे इसी तरह से चलाते जाएं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसे चला देंगे एक बार। और अब इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे भी चला देंगे और भून लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से मैश होने लगेगा। तब गैस को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मटर बिल्कुल ठंडा हो गया है तो इसे हम पीस लेंगे। तो एक मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे और इसे ढक्कन बंद करके हम पीस लेंगे। तो इसे पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। कुछ इस तरह से मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच और नमक को आप थोड़ा सा टेस्ट कर ले, उसके बाद इसमें चाहिए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। तो इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक के साइड में रखेंगे। अब चलिए हम आटे को चेक कर लेंगे। ये हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे तो बहुत ही आसानी से चिकना हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चिकना हो गया है और अब हम इससे पेड़े के साइज का लोई हम तैयार करेंगे, कुछ इस तरह का। ये देखिए जितना बड़ा आप कचौड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ लोई तैयार कर लें। तो मैंने एक प्लेट में कुछ लोइयां तैयार कर ली है। तो चलिए अब इससे हम कचौड़ियां तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग ली है, सूखा मैदा लिया है, ये हमने लोई ली है। इससे एक लोई लेके मैदे में इस तरह से कोट करेंगे। अंगूठे के हेल्प से हम एक कटोरी की शेप का बनाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह का। और उसमें डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ और सारे ही किनारों को एक जगह लाके इसे बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा उसे निकाल दें और इस तरह से गोल करते हुए प्रेस कर दें और ये एक हमारा कचौड़ी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं, 1 या 2 बार इसमें बेलन चला सकते हैं। बहुत ज्यादा इसे बेलना नहीं है और अगर नहीं भी बेलेंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया से फूलेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा बेल लिया है और चलिए इसे तलते हैं। तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। देखिए मैं कचौड़ियां डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बबल्स निकल रहा है, बस हमें ऐसा ही गर्म चाहिए। हाई फ्लेम में कचौड़ियां ना तलें, नहीं तो आपकी कचौड़ियां खस्ता नहीं बनेगी। जब ये ऊपर आ जाएंगे तब इसे हमें टच करना है। अब ये कचौड़ियां ऊपर आ गई है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पहले मैंने लो पे रखा था और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और जब ये अच्छे से फूल जाए तब इसे हम पलटेंगे। तो देखिए तीनों ही कचौड़ियां अच्छे से फूल गई है। तो अब इसे हम एक बार पलट देंगे, जब ये नीचे से थोड़ा सा पक जाए तब इसे हम फिर से पलटेंगे। तो ऐसे ही हमें उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो कचौड़ियां है इसमें बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है और देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कचौड़ियां बहुत ही अच्छे से पका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। तो ये हमारा पहला बैच तैयार है। दोस्तों, जब भी कचौड़ियां तले पहले तेल को हल्का गर्म कर लें, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम करके
कचौड़ियों को तले, आपकी कचौड़ी खस्ता क्रिस्पी बना रहेगा। कचौड़ी बनाते समय आप एक दो ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ फूली फूली और बिल्कुल खस्ता बनेगी। तो यहाँ हमारी हरे मटर की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से फूला है और खस्ता इतना कि क्या बताएं। देखिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल तुरंत ही टूट जा रहा है। तो दोस्तों आप इस ठंडी में हरे मटर की खस्ता कचौड़ी घर पे बनाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने जब अपने घर में इसे बनाया तो सभी को बहुत पसंद आया। और मेरे वीडियो को लाइक करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।